सायापुर में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि मरीज के मरने के बाद भी डॉक्टर ने उनका इलाज जारी रखा, जिसके बाद एक दिन में इलाज के नाम पर 50,000 रुपए ले लिए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। वहीं अस्पताल में डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के सत्यानंद हॉस्पिटल की है। यहां सर शुक्ला नाम के युवक को बुखार था। आरोप है कि डेंगू बताकर युवक को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। परिजनों का ये भी आरोप है कि पैसे वसूलने के लिए अस्पताल में मरने के बाद भी युवक का इलाज जारी रखा। इतना ही नहीं, एक दिन में अस्पताल पर 50,000 रुपए फीस लेने का आरोप लगा है। युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। आरोप ये भी है कि अस्पताल ने डेंगू का खौफ दिखाकर अपने यहां इलाज कराने पर मजबूर किया गया। फिलहाल पुलिस के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हुआ। परिवार वाले शव को लेकर काफी देर तक अस्पताल के बाहर खड़े रहे। मृतक के परिजन अस्पताल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को डेंगू था, जिसके चलते उसे आईसीयू में रखा गया था। ये लोग झूठ बोलते रहे हम लोगों से कि वो ठीक है, लेकिन वो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और सुबह आज ही एडमिट कराया इनको हम लोगों ने। इनको सिर्फ बुखार था और पेट लैट्रिन नहीं हो रही थी। जब हम लोग यहाँ एडमिट कराने, हम लोग बरेली ही जा रहे थे, लेकिन हमने कहा एक बार इनको दिखा लेते, तो इन्होंने कहा, हम लोगों ने पूछा क्या आप इनको सही कर सकते हैं, तो बोले हाँ ये केस हमारे अंडर में है, हमारे पास सारी मशीनें और ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे एडमिट हो गए। ये मशीन वो मशीन दुनिया भर की मशीनें लगा डाली पैसा ऐठने के लिए। इन्होंने कोई ढंग का इलाज नहीं किया। वो हम देखने गए थे, वो सही थे भैया, फिर आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बोला कि उनकी पल्स जा रही है। हमने खुद देखा वो ठीक थे, और आधे घंटे के अंदर इन्होंने कौन सी दवाई चढ़ाई, क्या उनके साथ किया मुझे नहीं पता। और इन्होंने बच्चों को भी, किसी को उस पीरियड में कोई उनके पास अंदर नहीं गया, मिलने नहीं दिया किसी को भी। और उस और उनका पूरी बॉडी नीली पड़ गई, उनका सिर्फ बीपी लो हो रहा था भैया। मरने के बाद भी ये इलाज, इन्होंने झूठ बोला ये इलाज करते रहे, और इन्होंने ये नहीं बताया कि वो उनकी हालत खराब है। हम लास्ट में जाने को थे कि हम एक बार देख ले अपने पति को, इन्होंने किसी को अंदर घुसने नहीं दिया और सीधे उस पे लाद कर नीचे भेज दे, बोले इन्हें बरेली भेज दो। और जब हमने देखा तो मुझे उनके अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। हमने जब 50,000 रुपए हमने खुद अपने हाथ से दिया, ये मुझे नहीं पता, मैंने अपने ससुर को दिया था और उन्होंने यहाँ सारा जमा किया। बाकी मुझे, हम ये चाहते हैं कि इन्हें हॉस्पिटल वालों को सजा मिले। किसी को बेगुनाह मार दिया इन लोगों ने। ये दो छोटे बच्चे हैं मेरे, इन बच्चों को अपने पिता से नहीं मिलने दिया इन लोगों ने। वो आखिरी वक्त मुझसे बोले मेरे बच्चों को मिला दो, किसी को नहीं मिलने दिया। और इन सब लोगों ने लास्ट भी जब वो जा रहे थे, क्या नाम है बच्चे बिल्कुल गलत आ रहा होता, ऐसा कुछ नहीं था। क्या हुआ? मरीज सुबह 8 बजे हमारे पास आया, फीवर और वॉमिटिंग की शिकायत ले करके उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इन्वेस्टिगेशंस में डेंगू पॉजिटिव आया है इनका। प्लेटलेट काउंट 35,000 आया, ठीक है। हीमोग्लोबिन इनका बढ़ा हुआ आया, वो भी एक बैड प्रोग्नोसिस का साइन होता है। इनके जो भी तीमारदार थे, शायद एक लड़का था ग्रीन शर्ट में, भाई था या साला था, और पिताजी जिन्होंने कंसेंट पे साइन भी किया था, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी कि मरीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि ये भी बताया कि इस टाइम पे जो डेंगू फैल रहा है बहुत फेटल है, लखनऊ बरेली दिल्ली में भी मरीज नहीं बच पा रहा। यदि आप चाहें तो इनको लखनऊ मेडिकल कॉलेज या राम मूर्ति बरेली शिफ्ट करा सकते हैं। इन्होंने पूछा कि सर आपके बस में है कि नहीं है, मैंने कहा बस में जैसा यहाँ वैसा वहाँ, जो इलाज यहाँ होता है वो इलाज वहाँ होता है। कोशिश कर सकते हैं 2-4 घंटे के बाद हम आपको इनके छाती का जो भी और जांचें होती हैं वो कराने के बाद में हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं।
लगभग 4 या 5 घंटे के बाद मरीज आईसीयू में था, मरीज 4 या 5 घंटे के बाद खुद से टॉयलेट गया, सब बात कर रहा था, सब कुछ सही था। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ना चालू हुई, इनका बीपी फॉल हुआ, इनको सांस की दिक्कत हुई, रेस्पिरेटरी रेट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये पूरा इवेंट जो है 20 या 25 मिनट में ही हुआ है। था कि मौत का जैसा कहना उनका है कि मौत के बाद भी इलाज चलता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत आरोप है। सारे वीडियोज हैं, सब हैं, आप चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है। जो पैथोलॉजी वो आपकी अपनी है क्या पैथोलॉजी? हाँ, रजिस्टर्ड पैथोलॉजी। बिल्कुल। गलत कह रहे हैं, 10:45 की रिपोर्ट है, यहाँ बैठ करके मैंने सब बात करी है उनसे, जिन्होंने आपसे बोला उनको बुलाइए, उनसे मैं बात करूँगा। पूरी रिपोर्ट्स के साथ में मेरी उनसे बात हुई है कि ये कंडीशन है, यदि आप ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी उनको। ठीक। और इस तरह के पेशेंट्स जो हैं अपने यहाँ तमाम सही भी हुए हैं, और अपने यहाँ नहीं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो या राममूर्ति कॉलेज हो, इवन एम्स दिल्ली हो, क्या वहाँ मोर्टेलिटी नहीं होती है? डेंगू फीवर जो इस टाइम पे फैला हुआ है सभी को पता है, 100 में 4 मरीज 6 मरीज एक्सपायरी, हर जगह का ये रेट है। ठीक।